हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और अभी 5:30 बज रहे हैं और आज ही आई हूँ मैं ससुराल से, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। एंड मैंने उसमें ये भी बताया था कि बहुत सारे पार्सल्स आए हैं, बहुत सारे मतलब 4 हैं, इतने भी ज़्यादा नहीं है, 5 पार्सल्स एक्चुअली, जिसमें से एक तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था जो रोल सा था, बट मैंने वो ओपन नहीं किया था, मैंने आज ओपन करा। मुझे वैसे पता था वो क्या है, मैंने टिमटिम के लिए उसके रूम के लिए वॉल स्टिक का ऑर्डर की थी, तो वो था। कौन सा किया था मैं उसके लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, मैं वापस से वो ओपन नहीं कर रही। मैंने एक्चुअली एक एंजल मतलब पिंक कलर की फेरी एंजल का वॉल स्टिक का ऑर्डर किया था, एक्चुअली बहुत ही सस्ती थी, आई थिंक डील ऑफ द डे थी, तो 60 कुछ रुपीज़ में ही आ गई थी वो ऑर्डर किया था। देन मुझे ये एक बॉक्स मिला है, ये एक्चुअली गुमनाम है, मुझे नहीं पता ये क्या है, थोड़ा थोड़ा सा डाउट है मुझे कि क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी पीआर कंपनीज के पास में मेरा एड्रेस है, तो किसी और का भी हो सकता है, और हो सकता है मैं जिनके बारे में सोच रही हूँ उनका भी हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं पैकेज ओपन कर ही रही हूँ तो व्लॉग भी स्टार्ट कर ही देते हैं, आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूँगी। और अभी मेरा जो लास्ट व्लॉग है जो आप लोग आज ही देख लोगे वो फिलहाल सेव हो रहा है, फिर इसके बाद अपलोड करूँगी, तो अभी एटलीस्ट हाफ एन आवर तो लगेगा ही, पूरी हाफ एन आवर नहीं सॉरी 2 आवर्स तो लगेंगे ही सारी प्रोसेस में। इन बिटवीन मुझे खाना वगैरह भी बनाना है और सामान अभी तक अनपैक नहीं किया है मैंने, बैग्स वैसे ही रखे हुए हैं। कितना बड़ा हेडेक लगता है ना कहीं से आओ और सामान अनपैक नहीं किया है, और जैसे ही अनपैक करते हो तो और फैल जाता है। तो मेरा अभी टिमटिम वाला रूम तो पूरा ऐसे ही पड़ा है उसमें, क्योंकि मैंने पूरा हमारे बैग्स और जाने के पहले भी कुछ नए कपड़े वगैरह सब मैं अच्छे से ढक के गई थी, बेड पर ही रखा था बट अच्छे से कवर करके गई थी कि गंदे ना हो, तो वो सब भी मुझे ठीक करना है। हाँ, मैं जो सोच रही थी ये वहीं से आया हुआ है, ये एक्चुअली एक पीआर कंपनी ने भेजा है ऐसे यूज़ करने के लिए, उनको कोई रिव्यू वगैरह नहीं चाहिए। ये एंटी एजिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम है, तो मैं यूज़ करूँगी ये सेंट, ये है सेंट बॉटनिका की, यूज़ करूँगी, देन मैं आपके साथ में रिव्यू शेयर करूँगी। वैसे मुझे ये नहीं बोला गया है कि मुझे इसका रिव्यू शेयर करना, जस्ट ऐसे ही यूज़ करने के लिए भेजा है। कई बार जो पीआर कंपनीज होती है ना वो ऐसे ही हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स भेज देती है कि हम उसे यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वीडियोज़ में उनका प्रोडक्ट दिख जाता है जिससे उनका ऐड हो जाता है थोड़ा सा, तो ये उस टाइप का है। मेरा अगर मेरा मन करे तो मैं ये आपको दिखाऊँ, ना मन करे तो ना दिखाऊँ, ऐसा होता है। तो ये था फर्स्ट, अब ये नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये तो अमेज़ॉन का पार्सल है, ये हमने ऑर्डर किया था टिमटिम के रूम के लिए, वही 3 चीज़ें हैं मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ये शायद दोहर है, दोहर इसके लिए दोहर ऑर्डर किया था कि पिलो कवर है, पिलो मतलब पिलो है, नॉट श्योर, कर्टन है, दोहर मतलब हल्की ठंड पड़े तो उसमें उड़ाने के लिए। और मैंने सारी मतलब एटलीस्ट बेडशीट और दोहर तो मैंने बहुत अफोर्डेबल मतलब 300 की रेंज में ही ऑर्डर किया था, कर्टन थोड़ा कॉस्टली था, 1700 का था, देखती हूँ कर्टन कैसा है। बट ये दोहर है, मतलब ऐसा क्या होता है, डबल लाइनिंग के कपड़ा होता है, थोड़ा थिक होता है, डबल नहीं आई थिंक 4 लेयर्स होते हैं कपड़े के, और वो थोड़ी भी अगर सर्दी वगैरह पड़ रही है हल्की सी तो उसके लिए। ये ऐसा पूरा प्रिंसेस प्रिंट में कैसल है और सारी प्रिंसेसेस हैं, अच्छे से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, बड़े लोग भी उड़ सकते हैं। हमने टिमटिम के लिए किया, ये 300 समथिंग का था, मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, अमेजोन से ऑर्डर किया था। सो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट जो टिमटिम के लिए मंगवाया था, ये है फर्स्ट चीज़ जो मंगवाई थी उसके लिए। देन ये ओपन करते हैं, ये आई थिंक बेडशीट है, हो गया सेव, सेकंड मैं अपलोडिंग पे लगा दूँ, दिखाती हूँ।
अरे यार ये डिस्चार्ज भी होने वाला है। मैं मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा दूँ तो फिर बातें करते हैं। हाँ तो लगा दिया मैंने चार्जिंग पर मेरा मोबाइल। अब ओपन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीज़। अब मैंने ससुराल से क्या लाया वो भी मुझे इसी ब्लॉग में दिखाना है आपको। बट जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने अभी तक सामान अनपैक ही नहीं किया है, ओपन ही नहीं किया है, तो वो मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। बट थोड़ी देर बाद अगेन ये भी पिंक कलर का है। अब लड़की के रूम की चीज़ें ले रहे हैं तो ऑफकोर्स पिंक होनी चाहिए बिकॉज गर्ल्स को पिंक बहुत पसंद होता है, बेबी गर्ल्स को। तो ये है बेडशीट और ये एक पिलो कवर भी है इसमें। एंड ये बेडशीट में भी ये बार्बी डॉल्स बनी हुई है, पूरा ओपन नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे बार्बी डॉल्स बनी है। ये भी 300 समथिंग का था, मैं नीचे लिंक दे दूंगी इसकी भी। पूरा ओपन नहीं कर रही यार, फोल्ड करने में बड़ी परेशानी आई है। वो दोहर भी मुझे यहाँ पर दोहर और क्विल्ट भी मुझे फोल्ड करने में अभी बहुत आफत आने वाली है। ये था नेक्स्ट। अब लास्ट जो चीज़ है ये ओपन करते हैं। ये सबसे कॉस्टली था, ये अच्छा होना चाहिए नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगी। वैसे अमेजोन की रिटर्न पॉलिसी बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हम लोग आँख बंद करके अमेजोन से चीज़ें अगर अच्छी लग रही है तो और रिव्यू पढ़ के ले लेते हैं। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर वो चीज़ें अच्छी लगती है तो पहले उसकी रिव्यू पढ़िए एंड देन ऑर्डर करिए। और अगर वो अच्छी नहीं लगी रिसीव होने के बाद में तो अमेजोन से बहुत ही अच्छी तरीके से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत चीज़ें रिटर्न भी की है। और मैं ऐड नहीं कर रही हूँ अमेजोन की, मेरे खुद के पैसों का है पैसा मत सोचना, तो मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये है कर्टन के रूम के लिए, ओपन करके देखते हैं। बहुत खुश हो गया वो तो, अभी सो रही है फिलहाल। उसका डांस क्लास था बट मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ। टू पीसेस हैं, एक ही पीस ओपन करके दिखा रही हूँ। ये है देखिए थोड़ा दूर, ये है रिंग, देन उसके बाद में थोड़ा ऊपर 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 होते होते यहाँ पर है एक हॉर्स, ये हॉर्स कार्ट और एक प्रिंसेस, देन उसके नीचे ये ढेर सारे प्रिंसेसेस। तो ऐसा है और लेंथ वाइज बहुत ही अच्छा है। डोर एक्चुअली मैंने डोर कर्टन्स मंगवाए उसके लिए क्योंकि मुझे विंडो पे ही लगाने हैं। बट क्या होता है रूम्स अगर थोड़े छोटे हो ना, और अगर आप डोर कर्टन्स लगा रहे हैं विंडो पे तो रूम्स थोड़े बड़े दिखते हैं, दैट्स वाई भी मैंने ये डोर कर्टन मंगवाए उसके लिए। और ये 4x7 के हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग होम सेंटर गए थे लेने, बट होम सेंटर में बहुत महंगे यार, एक सिंगल कर्टन 1400 के अराउंड था। तो मैंने बोला कि इससे बेटर 1700 में दो मिल रहे हैं उसमें अमेजोन पे, तो वही ऑर्डर कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। मैंने एक्चुअली आज हेयर वॉश किया था मैंने, तो अभी तक कोम नहीं किया है। मेरे हर ब्लॉग में ये होता है ना बट एक्चुअली मैंने अभी तक कोम नहीं किया है। शाम को मतलब रात में करूँगी कोम, या अभी थोड़ी देर से, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह एक्चुअली मैं नहाई बहुत लेट हूँ, अराउंड 2 o'clock के आसपास मैं नहाई हूँ। तो अभी 3 घंटे हुए हैं, लगभग सूख गया है, थोड़ा सा बस गीला है, तो बस अब थोड़ी देर से करूँगी मैं कोम। हाँ तो ये था उसका कर्टन में एक्चुअली शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा है ना, मुझे इतने चमकते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। फिर शायद लाइट मतलब जो सामने से ही लाइट आ रही है इसलिए ऐसा लग रहा है, बट क्वालिटी वाइज तो इट इज़ गुड। ब्लैकआउट है ये, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि पीछे वाइट की लाइनिंग है। देखते हैं जब मैं इसे अभी दिवाली के पहले उसका रूम डेकोर करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि एग्जैक्टली ब्लैकआउट हो रहा है कि नहीं। बट ये अच्छा है, ओवरऑल गुड डील है, और लेंथ वाइज भी अच्छा है, मटेरियल वाइज भी अच्छा है, और प्रिंट वाइज भी अच्छा है। प्रिंट बहुत अच्छी है, एकदम क्लियर प्रिंट है। तो इतनी चीज़ें थी जो मैंने हम लोगों ने टिमटिम के लिए मंगवाया था बस। और आज खाने में मैं अभी रात में बनाने वाली हूँ कढ़ी और राइस, तो इसलिए अभी कुछ शेयर नहीं करूँगी। और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं कोई वीडियो शेयर मतलब कुकिंग वाला वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि किचन इज़ नॉट सो गुड, अभी पूरी चीज़ें फैली हुई हैं। और
एक रूम पूरा फैला हुआ है, बस मेरा हॉल अभी तक थोड़ा ठीक था, लेकिन मैंने अभी इतने सारे पैकेट्स ओपन करे तो हॉल भी गंदा हो गया है। डाइनिंग टेबल के ऊपर बैग्स रखे हुए हैं, तो बस अभी ये करती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि एक वीडियो का काम तो हो गया है। एंड मुझे नहीं पता आप लोग क्या रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि मैं इतने दिन से गायब थी ना। अब वो तो आज का व्लॉग लाइव होगा तो पता चलेगा कि क्या रिएक्शन आता है। एंड मुझे करवा चौथ की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आ रही है कि इस बार आप करवा चौथ वाले वीडियो नहीं बना रहे। बनाऊंगी यार, एक्चुअली क्या हुआ ना, ऑल ऑफ सडन जाना हुआ, नहीं तो मैं लास्ट ईयर जो अभी वीकेंड गया इसमें ही मैं तैयारियाँ करती हूँ। ड्रेस तो मेरे पास है, मुझे बस वही पूजा बहुत पूजा वगैरह का सामान लेना और बताना है आप लोगों को कि एग्जैक्टली मैं क्या पहनने वाली हूँ करवा चौथ में। तो इसलिए करती हूँ एक दो दिन में ये वीडियो, क्योंकि मेरे को चूड़ियाँ और करवा वगैरह ये सब लाना है, क्योंकि अब एक हफ्ते भी नहीं बचे हैं करवा चौथ, चार दिन बचे हैं आई थिंक, हाँ पाँचवें दिन तो करवा चौथ ही है। तो चलिए ठीक है, फिर करती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर से बात, टिमटिम को उठाती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है और अराउंड 10 o'clock हो रहा है। मैं कर रही हूँ नाश्ता, नाश्ता में मैं क्या कर रही हूँ, फ्राइड राइस है, थोड़ा रात का चावल था, थोड़ा फ्राई कर लिया, वही हम लोगों ने नाश्ता किया और थोड़ा कम था, दैट्स व्हाई ब्रेड के मैंने सैंडविचेस भी बना लिए। और बस बैठी हूँ, थोड़ा आराम से नाश्ता करूँगी, घर वगैरह सब क्लीन हो गया है, थोड़ा बस सामान जमाना है और मुझे आपको दिखाना है मैं क्या लाई हूँ ना, थोड़ी देर से दिखाती हूँ। और अभी मैं फिलहाल बिग बॉस देखते देखते नाश्ता कर रही हूँ, झट से नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं एक पेशेंट का वीडियो करूँगी अपकमिंग फेस्टिवल्स के लिए। देन मुझे एक आध ड्रेस वाले हॉल्स भी करने हैं, ड्रेसेस पहन करके जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ये लिया वो लिया वैसे वाले, तो दो वेबसाइट्स के मुझे वो करने हैं। तो बस आज काम बहुत सारा है और लंच के अकॉर्डिंग मैंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो जब टिमटिम आने वाली होगी तभी मैं दाल वगैरह देखती हूँ आज क्या बनाना है। अब राइस नाश्ते में कर लिया तो अब राइस तो नहीं बनाऊँगी, सोच रही हूँ रोटी सब्ज़ी बना दूँगी आफ्टरनून में, देखते हैं। चलिए ठीक है, मैं ये इन्जॉय करती हूँ, फिर थोड़ी देर से हम बातें करते हैं। हेलो बहुत देर बाद आ रही हूँ इसलिए इतना स्टाइल से हेलो हो रहा है। एक्चुअली मैंने अभी एक वीडियो शूट किया, एक हॉल वीडियो, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आप लोगों से भी बात कर ली जाए। कल मैं मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो लाइव कर दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से आया हुआ रखा हुआ था, तो अब मैंने सोचा यार आज कर ही देते, बीच में अगर घर नहीं जाना होता तो अभी तक हो गया होता ये, बट घर जाना था तो बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई और ऐसे अनसर्टेन था, तो मैं पहले से कुछ भी प्रिपरेशन भी नहीं कर पाई। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं पहले से ही वीडियोस बना के अपलोड करके स्केड्यूल करके जाती हूँ, बट इस बार बिल्कुल अनसर्टेन था तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। एंड टिमटिम अभी खाना खा रही है, स्कूल से लाया उसे मैंने, देन उसको खाना मैंने खुद नहीं दे दिया कि बेटा आज आप खुद से खाओ, मम्मा बहुत सारा काम है, नहीं सामने ही बैठी है मेरे, बट खुद से खा रही है और मुझे देख रही है, यही बोल रही है मम्मा टीवी चला दो, बट उसको भी पता है कि मम्मा काम कर रही है तो कोई बात नहीं, वो बिना टीवी के ही खा ले रही है। हाँ सो आज का दिन यार बहुत काम है, मुझे कल ही आई हूँ तो मेरा घर मतलब क्लीन हो गया, डस्टिंग एंड ऑल सारी चीज़ें हो गई हैं, बट जैसे कपड़े फैले हुए हैं, किचन में थोड़े बर्तन फैले हुए हैं जिन्हें जमाना है साफ बर्तन, तो मुझे बहुत सारा काम है आज, इसलिए बहुत देर से कैमरा मैंने व्लॉगिंग के लिए उठाया ही नहीं हाथ में, मैंने खुद ने अभी लंच नहीं किया और मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं आज लंच कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी स्किन अभी बहुत ड्राई हो रही है, पैची वाली होती है ना वैसी पैची स्किन हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ अभी एक फेशियल कर लेती हूँ एंड ऑफकोर्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, तो अभी वो करूँगी तो आई डोंट थिंक कि मुझे इतना टाइम मिलने वाला है कि मैं और बार 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 व्लॉगिंग करूँ, बट करूँगी। एंड आज शायद मैं शाम को जाऊँगी करवा चौथ की थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, लाइक मुझे बैंगल्स वगैरह लेनी है, बाकी तो मैंने साड़ी वगैरह ले रखी है, कौन सी पहनूंगी मैं आपको बताऊँगी। आई थिंक बोलो बेटा, एक और ड्रेस लेना है। हाँ आपके लिए और ड्रेस लेना है, दशहरा तो हो गया बेबी, हम गए थे ना रावण मारने, याद है आपको होली में, ओके होली को तो अभी बहुत टाइम है, बहुत अभी होगा, अभी 4-5 months बचे हुए हैं होली के लिए, और 1 और 2 में होगा 5 months के बाद होगा, तो आप पहले खाना फिनिश करो चलो। मैं
खाना फिनिश करोगी तभी मैं मंगवाऊंगी बेटा। या? आपके लिए न्यू ड्रेस। कौन सी न्यू ड्रेस? उसमें क्या आती है? उसमें प्रिंसेस वाली ड्रेस होगी। कर लिया मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें फोल्ड। बस अब टिमटिम को खाना फिनिश करवाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि लास्ट तक बच्चे कभी भी पूरा फिनिश नहीं करते, उनके प्लेट में बचा ही होता है। तो बस अब मैं उसका पूरा खाना फिनिश करवाती हूँ, मैं उसको सुलाती हूँ, फिर मेरे को वो करूँगी, क्या बोलते हैं, होम फिश। मैं ना फोकस नहीं करती हूँ, मैं बातें शुरू कर देती हूँ। दिस इज़ अब हुआ है फोकस। सॉरी यार, इतनी देर से आउट ऑफ फोकस थी और बड़बड़ चालू थी। अब मैं बोल रही थी आज शायद जाऊँगी मैं करवा चौथ की चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए, फिर मैं आपको कल एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी करवा चौथ की तैयारी का, एंड ऑफ वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कल। चलिए मैं फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से बेटी को, जल्दी से खाना फिनिश करा दूँ क्योंकि 2:30 बज गए हैं और उसको सुलाना है। मिलते हैं थोड़ी देर से। सो अराउंड 7:00 हो रहे हैं और ये ऑफिस से आ गए हैं। अब मैं बना रही हूँ चाय। वैसे मुझे चाय पीने का बहुत देर से मन कर रहा था, हेडेक हो रहा था, क्योंकि क्या हुआ आज आफ्टरनून में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मैंने मेरा वो वीडियो जो मैंने आपको बताया फिल्म किया, उसके बाद में टिमटिम को खाना खिलाया, मैंने थोड़ा सा खाना खाया, वो तो खा ही रही थी वैसे, बट कंप्लीट मुझे कराना पड़ा। देन मैं अभी उसको लेकर थोड़ी देर सो गई थी, जस्ट 1 आवर के अराउंड सोई थी, फिर उठ गई और फिर बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। फिर किचन वगैरह क्लीन किया, सोचा अभी आएंगे तभी चाय पीऊँगी। बस अब चाय बना रही हूँ, देन खाना बनाऊँगी। खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की सब्जी एंड रोटी और दाल। तो चलिए चाय बनाते हैं।
भाई मुझे थोड़ी सी वॉक खाना खाने के बाद वाली वॉक खाना करेंगे, थोड़ा खेलेगी फिर आ जाएंगे ऊपर। सो मैं बैठी हुई हूँ नीचे, टमटम खेल रही है, मेरी वॉक हो गई एक्चुअली, और ये वॉक कर रहे हैं अभी। और आज शरद पूर्णिमा है, तो आज हमारे सोसाइटी में छोटा सा प्रोग्राम है, लाइक शायद खीर वीर बनेगी और बाहर रखेंगे। मैंने भी सोचा था करने का, लेकिन सब चीज़ें नहीं हो पाती यार, कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। मैंने सोचा था मैं खीर बनाऊँगी और रखूँगी बालकनी में, बट वो नहीं हो पाया। तो बस यही है, कल जाऊँगी मैं करवा चौथ की थोड़ी बहुत सी जो शॉपिंग करनी है, ड्रेसेस तो हैं मेरे पास थोड़ी, सुहाग का सामान वगैरह ये सब लेना है, तो कल जाऊँगी मैं। सो बस यही, वॉक कर रहे हैं, टिमटिम खेल रही है। सो फाइनली व्लॉग एंड होने वाला है, और मैंने जैसा कि कल के व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मेरी हेल्प चाहिए क्या कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ ससुराल से, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले टिमटिम की ड्रेस दिखा रहे हैं हम लोग, जो सभी आए नीचे से, और टिमटिम मैडम बिना रोए तो नीचे से आती नहीं है, उसको नीचे से मतलब प्लेग्राउंड से घर आने का मन नहीं करता है, तो वही अभी भी हुआ, बट फाइनली चुप हो गई आते आते। 10:30 हो रहे हैं अराउंड रात के अभी। तो मैं सबसे पहले जाती हूँ टिमटिम की एक ड्रेस जो उसके दादा दादी ने उसको दी है, ये देखिए, ये है लहंगा जो कि ऐसा पिंक एंड क्रीम कलर का, क्रीम एंड वाइट है हाँ। और इसके ऊपर की जो चोली, आजकल वो फ्रॉक पैटर्न वाली जो चोली चलती है, ये वो है, मतलब इस लहंगे के ऊपर इसको पहनना है। एंड देन इसका है एक दुपट्टा, तो ये रहा, इसके ऊपर ये है एक पिंक दुपट्टा। तो एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा बड़ा है, पहले उसके लिए थोड़ा इस मतलब परफेक्ट साइज का आया था, सेम इसके साइज का, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा लेते हैं, क्योंकि ऐसी ड्रेसेस हार्डली साल में एक दो बार पहनते हैं, और एक बार बस पहनो उसके बाद वो छोटा हो जाएगा, तो मैंने वो चेंज करा के थोड़ा बड़ा साइज लाया। तो इसका मैंने सोचा है अभी दिवाली में मैं से यही ड्रेस पहनाऊंगी, तो इसके ऊपर मैं एक कुछ इस टाइप का क्रीम एंड गोल्डन टाइप का इसका एक ब्लाउज सिलवा लूँगी, और उसके साथ में ये लहंगा पहनाऊंगी मैं इस दिवाली में से, और फिर ये दुपट्टा, और जो इसका टॉप है, जो ये कुर्ती पैटर्न का टॉप है, इसको मैं मे बी शायद एक आध साल बाद पहनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी हुआ है अब इसको। तो ये ड्रेस थी जो मैं टिमटिम के लिए, मतलब हम लोग टिमटिम के लिए उसके दादा दादी ने लिया। और इस बार मैंने जैसे लास्ट टाइम भी थी, मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी ज्वेलरीज की, ये वो, बट इस बार मैंने ज्वेलरीज तो देखा ही नहीं, मुझे चूड़ियाँ लेनी थी बट नहीं पता क्यों मैं गई नहीं लेने के लिए, मतलब मैंने लिया ही नहीं। मैंने अपने लिए एक्चुअली दो ड्रेस आइटम लिया है। सबसे पहले मैंने ली है राजस्थानी पोशाक, जो राजस्थानी लोग पहनते हैं ना, ऊपर कुर्ती रहती है, उसके नीचे लहंगा रहता है, तो वैसा मुझे एक्चुअली दिख गया ये, तो मैंने ले लिया, और बहुत सस्ता भी था, तो इसलिए मैंने सोचा ले लेते हैं। ये है नीचे का लहंगा, वाइट कलर का है, और ये कांच का वर्क है, बॉर्डर है, ये लहंगा है, ये सेमी स्टिच मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से सिलवा सकते हो लेंथ वगैरह करवा करके। तो ये है इसका लहंगा, मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली अच्छा लगा, दैट्स व्हाई मैंने ये ले लिया। और फिर उसके साथ में ये इसकी चोली है, ये दुपट्टा है, ये है चोली का कपड़ा, मतलब कुर्ती का प्रॉपर कपड़ा आता है इसके साथ में, ये देखिए, ये है इसकी कुर्ती का कपड़ा। तो मैं चाहूँ तो इसकी नॉर्मल ब्लाउज सिलवा सकती हूँ, जैसा हम लोग साड़ी के साथ में पहनते हैं ना ब्लाउज, वैसा सिलवा सकती हूँ, नहीं तो मैं इसका कुर्ती पैटर्न में भी सिलवा सकती हूँ। मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे एग्जैक्टली करवाना क्या है, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुर्ती पैटर्न में सिलवा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइप के इस कलर के ब्लाउज तो है मेरे पास, तो अगर मुझे नॉर्मल ब्लाउज के साथ में पहनना होगा तो मैं उस ब्लाउज के साथ पहन लूँगी, और इसकी प्रॉपर कुर्ती छोटी सी बनवा लूँगी। कैसी कुर्ती आप देखना, गूगल करके देखना राजस्थानी पोशाक, तो उसमें आपको समझ में आएगा मैं किस कुर्ती की बात कर रही हूँ, लहंगे के ऊपर पहनने वाली कुर्ती होती है, और जो लोग राजस्थान से उनको तो पता ही होगा। और ये है दुपट्टा, ये ऐसे वर्क है दुपट्टे में, और इसमें साइड में गोटा नहीं लगा हुआ है, तो गोटा मैंने अलग से लिया,
के चारों तरफ लगा देती हूँ, मुझे वो गोटा नहीं मिल रहा था मुझे। ओके ये है वो गोटा, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है गोटा, ये इसमें साइड में लगता है, तो ये गोटा मैं इसमें साइड में स्टिच करवा दूंगी, तो ये दुपट्टा भी रेडी हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत काम है जो कि इस ड्रेस में मुझे करानी है। तो ये मैंने एक ड्रेस ली, देन इसके बाद में मैं मेरी मदर इन लॉ के लिए साड़ी लेने गई थी, तो मुझे एक साड़ी पसंद आ गई, वैसे तो मुझे लेना नहीं था बट अच्छी लगी, रिच लगी, तो मैंने ले लिया। ये एक्चुअली एक कॉटन की साड़ी है, इसका कलर एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव है, ये देखिए, तो मैंने सोचा ले लेते हैं काम आएगी ही। ये है कॉटन की साड़ी है, इसका ये है पल्लू, बहुत सारा बहुत ब्यूटीफुल वर्क है इसमें, एंड नीचे ऐसा आएगा, ये नीचे प्लेट्स में आएगा, ऑल ओवर साड़ी में है ये, दिखाती हूँ आपको, वो देखिए, मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सोबर डिसेंट येट फैंसी टाइप की लग रही थी मुझे ये साड़ी, कि मैं नॉर्मल पूजा पाठ में भी पहन सकती हूँ, नॉर्मल डे फंक्शन है कुछ उसमें भी पहन सकती हूँ, तो मुझे ये अच्छी लगी। और ये पूरी साड़ी में ये ऐसे डिज़ाइन है, ये वाली डिज़ाइन तो अच्छी लगी मुझे, तो इसलिए मैंने ले ली सिंपल सोबर सी। इसके ये पल्लू में टैसल्स लगे हुए हैं, तो बस इतनी सी चीज़ें लाई हैं। ये साड़ी 800 की है, तो मुझे ठीक लगी, अफोर्डेबल लगी, ले आए। तो बस इतना सा था ये ब्लॉग, और अब मैं जा रही हूँ ये ब्लॉग डेटा ट्रांसफ़र करके ब्लॉग एडिट करूँगी, एक और वीडियो एडिट करना है वो सब करूँगी, खाना किचन क्लीन सारी चीज़ें मैं बिल्कुल कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब बस बेड पर ही जाना है। सो यहाँ फिनिश होता है ये ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग होगा मेरा करवा चौथ शॉपिंग वाला ब्लॉग, और कल ही मैं करवा चौथ की तैयारी प्रिपरेशन वाला कंप्लीट ब्लॉग कंप्लीट वीडियो भी कर लूँगी जो मेरे मेन चैनल पर जाएगा, तो करवा चौथ से रिलेटेड वीडियो कल हो जाएगा जो कि आपको शायद परसों मिले, और मेन चैनल वाला शायद कल ही मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके टिमटिम, तो बाय तो कर दो, और गुड नाइट, गुड नाइट, फ्लाइंग किस।